Continuation of the lesson, Nelson Mandela, page number 19 from the beginning. Page number 19 from the beginning, Nelson Mandela, book First Flight. A few moments later, we all lifted our eyes in awe. Awe means great surprise. As a spectacular array of South African jets, hum sab aashchiryajagdon ke upar dekha. Spectacular array, bhavya pradarshan of South African jets. एरोप्लेन देखा होगा ना, जो लाइन छोड़ के जाते आसमान में देखते समय. स्पेक्टेकुलर अरे का मीनिंग भी बुक में दे रहा है, इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, क्या, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग. यूनियन बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन सब अपना अपना भव्य प्रकटन कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री रॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. ये केवल एक डिस्प्ले नहीं था, पिन पॉइंट प्रसिशन, एक्सैक्टनेस ऑफ द मिलिट्री, मिलिट्री का ऐसा प्रकटन नहीं है, बल्कि ये एक नया इलेक्टेड डेमोक्रेसी का जो खुशी दिखाने का तरीका भी था. 15 अगस्त 26 जनवरी में हम भी देखते हैं कि दिल्ली में क्या क्या हुआ करता है, क्या क्या हुआ था है, परेड होता है, जांगिया होता है, एरोप्लेन अपना कमाल दिखाते हैं, फाइटिंग प्लेन्स निकालते हैं, शिप को लाते हैं, हेलीकॉप्टर्स को लाते हैं, कई कई तरीका का मतलब प्रकटन देखने को मिलता है. ये एक खुशी का मतलब हिसाब किताब है. ऐसा करने से मन खुश हो जाते हैं, अरे वाह वाह कहने लग जाते हैं, कुछ भी कह दो, ही ही कह दो, वाह वाह कह दो, जो कहने वाले के ऊपर है. जो इस तरह का एक प्रॉपर तरीके, फेयरली इलेक्टेड लोगों के एक सरकार आने की खुशी में ये देखने को मिलता है. ओनली मोमेंट्स बिफोर, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस, देयर चेस्ट बीडक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय. और देखो, मिलिट्री वाले, पुलिस वाले थोड़ी देर पहले सीने में जो उसका जो डेकोरेशन मेडल्स लगा के ऐसे किया, सैल्यूटेड मी और मुझे सैल्यूट मारा एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी और अपना प्रतिज्ञा किया देश के प्रति. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. जब ये सैल्यूट किया तब मुझे एक बात याद आ गया, कुछ साल पहले यही पुलिस वाले, मिलिट्री वाले मिलकर मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था. वही लोग अभी, देखो पॉलिटिकल पावर कितना भयानक होता. उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ, जिन पुलिस वालों ने, जो सरकार जो बदल बदल के आते, पुलिस वालों को तो करना पड़ता है, उसका भी गलती थोड़ी है. जो सरकार बताएगी पुलिस को वही करना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी सरकार हो. जब बदल बदल के जो सरकार आती है तो उसमें तो ये करना ही पड़ता है. अब की बार मोदी को सैल्यूट करने वाला, अगले बार पता नहीं किसको सैल्यूट करें. अब की बार गहलोत को सैल्यूट करने वाला पुलिस वाला, अगले साल किसको सैल्यूट करें तो पता नहीं रहता. सो द पॉलिटिकल सिचुएशन विल चेंज, देन अदर मैटर्स विल ऑल्सो चेंज. तो उसके आधार पर उसको रहना पड़ता है. तो उन्हें एकदम याद आ गया, यही पुलिस वालों ने कुछ समय पहले मुझे अरेस्ट किया था. फाइनली
ये शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेटेस्ट मॉक ट्रेल ऑफ द ब्लैक। और आखिरी में एक वी शेप्ड पैटर्न वाला जेट धुआं फेंके अपना प्रकटन किया एक सूचना के रूप में, रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर अपना भी है, ट्राई कलर वाला, कौन सा, तिरंगा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो जेट एरोप्लेन से इस तरह के जो जो धुआं निकालते हैं तो मल्टी कलर्ड वाला इस तरह से निकाल के उड़ जाता। वहाँ भी क्या है, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड कलर के साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर फेंके आगे आखिरी में प्रदर्शन किया। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। उस दिन दो नेशनल एंथम, हर देश का तो दो एक ही नेशनल एंथम होता है, लेकिन वहाँ बता रहे टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग कोसी सिकेलेल अफ्रीका। वाइट वाले ये नेशनल एंथम गाए एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टम वाला एंथम गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये पुराना वाला था, अंग्रेजी लोगों के साथ मतलब वाइट लोगों के शासन में उन लोगों ने उसको बदल के ऊपर जो बताया क्या कोसी सिकेलेल अफ्रीका ये गाया था। लेकिन पहले ये चलता था डाई स्टेम, मतलब सारे गोरे काले जो भी ग्रुप उधर रहते हैं वो सब मिलकर गाया करते थे, उसी को वापस लाया द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल्दो दैट डे नेदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइस्ड यानी हेटेड, किसी को पता नहीं था उसको सीधे गाने के लिए, अपना भी जनगण मन कितने लोग सीधे गाते, बिल्कुल बड़े लोगों को भी सही से, इवन हिंदी सिखाने वाले टीचर्स को भी नेशनल एंथम सही से गाने नहीं आते, शब्द सही से नहीं बोलते, गाहे बोलना होता गाहे बोलते, सुन के खड़े रहते टीचर लेकिन उसको सुधारने का कोशिश नहीं करते। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कला बोलना होता है उच्चकला बोलता है, यही टीचर्स खड़े रहते वहाँ लेकिन कोई सही, तो ये नॉर्मल बात है हर जगह में यही होगा, जो उसका लिरिक्स सही से बोलने किसी को नहीं आ रहा होगा यहाँ भी यही होगा। ये तो बहुत पुराना होने की वजह से सबके दिमाग से अट गया, अब दोबारा उसको चालू किया तो गाना ही होता, दे वुड सून नो द वर्ड बाई हार्ट, तुरंत उन्हें याद आ गया जो पहले गाया करता था वो पूरा याद करने लग गया, यही होता है। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. और उसी दिन जिस दिन सेरेमनी हुआ था, इनाग्रेशन हुआ था, मुझे थोड़ा इतिहास का मज़ा आ गया। देखो मैं कितने साल तक मतलब जेल में रहा, कितने मार खाना पड़ा, जो भी है बस सब सब कुछ याद कर रहे। In the first decade of the 20th century, a few years after the Better Anglo-Boer War, and before my own birth, the white skinned peoples of South Africa pitched up their differences and erected a system of racial domination. Domination in community control of a particular race. एक विशेष गोरे लोग कुल मिला के वो अपने कंट्रोल में रह के काम करते हैं बस वही। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, क्या बताया, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड मीन्स ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ये पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरा जन्म हुआ नहीं था उस टाइम, द वाइट स्किन्ड पीपल गोरे लोग और साउथ अफ्रीका पैच्ड मीन्स सेटल्ड देयर डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट होता है वो खुद ही अपने स्तर पर क्या करते थे, उसको सोल्यूशन ढूंढते थे और सजा दिलाते थे। अब दे डिफरेंसेस एंड एरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और उसी देश का ब्लैक स्किन लोगों के साथ मतभेद करके एक प्रोग्राम
चालू किया. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. उन लोगों ने जो शुरू किया था, नेल्सन मंडेले के जन्म से पहले की बात बता रहे, कुछ अंग्रेजी लोग उस टाइम शासन करते थे, उन लोगों ने इन लोगों से नफरत करने का, भेदभाव रखने का एक योजना बनाया. वो योजना अभी भी कायम रहने से कई ब्लैक लोग कई तरह के परेशानी का सामना किया. वो इस तरह का एक बात बन गया कि पूरा संसार में एक सोच की बात बना दी. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, their system had been overwhelmed of forever and repeated by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. Lekin, uske baad, दस डेकेड मीन्स यहाँ तो बताए कितने डेकेड. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी माय ओन एट डेकेड मीन्स एट डेकेड इनटू 10 इयर्स कितने, हाँ जोड़ने आता है तो. दैट सिस्टम हैड बीन ओवरवेलम्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन. वो सिस्टम बदलकर एक नया सिस्टम, वो भी सब एक साथ मानने का एक सिस्टम में बदल दिया. कोई भेदभाव नहीं है, को गोरे का काले का कोई भी हिसाब किताब ही नहीं है. ऐसा एक आज़ादी ला के देश को आज़ादी से रहने का, खुशी से रहने का मौका देने वाला वो खुशी मुझे उस दिन याद आए.